One more time, but I go. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाँ, तो इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बना करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। गाइस, यहां से आपको ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में फोटो पर आना है, और गाइस यहां से आपको 5 से 6 फोटो अपने सेलेक्ट कर लेने। मैं कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद में एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओरिजिनल पे क्लिक करना है, यहाँ से 9x16 वाला रेजो सेलेक्ट करना है और आपको ये बंद कर देना है। गाइस, यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑडियो साउंड भी बंद करना है आपको। अब इसमें ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ टैप टू ऐड म्यूजिक क्लिक करना है। म्यूजिक पर आना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर आना है, और फिर से गाइस यहाँ से आपको वही वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना है जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था। वीडियो लेने के बाद में आपको इसमें फाइल नेम ऐड कर लेना है कुछ भी, जैसे कि मैं इसमें VID कर देता हूँ और ओके क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट होकर उसी नेम से सेव हो चुका है। चूज भी क्लिक करना है। म्यूजिक बीट्स पर आना है, यहाँ पर गाइस आपको पहला बीट मार्क 7.25 सेकंड पर सेट करना है। तो इधर आना है आपको 7.25 सेकंड पर, इस पर क्लिक करके आपको मार्क ऐड कर लेना है। अगला बीट मार्क आपको 8.15 सेकंड पर सेट करना है, 8.15 सेकंड पर आना है और इस पर क्लिक करके आपको मार्क ऐड कर लेना है। अब गाइस आपको साइड में बीट मार्क का ड्यूरेशन दिखाई दे रहा होगा, इसी ड्यूरेशन पर आपको मार्क ऐड कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर वीडियो स्किप कर रहा हूँ। तो लास्ट तक मार्क ऐड करने के बाद राइट पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ से आपको फर्स्ट वाले बीट मार्क के ड्यूरेशन पर आना है। लेयर को थोड़ा जूम करना है कुछ इस पर का, और फर्स्ट वाले बीट मार्क के ड्यूरेशन पर आपको वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो हमारा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। वीडियो के सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आपको डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हमारे फोटो आ चुके हैं। सेकंड वाले बीट मार्क के ड्यूरेशन पर आना है आपको, और यहाँ से फोटो को स्क्रॉल करके यहाँ तक सेट कर लेना है बीट मार्क के ड्यूरेशन तक। अगले वाले मार्क पर आना है, फिर से फोटो को स्क्रॉल कर लेना है। अगले वाले मार्क पर फोटो को स्क्रॉल कर लेना है, अगले वाले मार्क पर फोटो को स्क्रॉल कर लेना है। ऑडियो साउंड के एंड पोजिशन पर आना है, यहाँ पर भी फोटो को स्क्रॉल कर लेना है। गाइस यहाँ लास्ट में जो भी फोटो बचा है उस पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ एंड में आपको ब्लैक लेयर भी डिलीट करना है। अब आपको फर्स्ट वाले फोटो पर आना है, लेयर को थोड़ा जूम करना है फिर से एपेक्स पर, और गाइस यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एपेक्स ऐड कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जेटर वाला एपेक्स ऐड कर देता हूँ। अब यही वाला एपेक्स आपको सभी फोटो में ऐड करना है, तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो ये सभी फोटो में एपेक्स ऐड हो चुका है। आपको इधर स्क्रॉल करना है, जूम वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पे जूम आउट वाला सेलेक्ट करना है और इसे भी अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। स्टार्टिंग मैंने आपको, तो यहाँ पर हमारे वीडियो लेयर में भी एफएक्स ऐड हो चुका है। आपको वीडियो लेयर में एफएक्स ऐड नहीं करना है, वीडियो क्लिक करना है, एफएक्स पर आना है, और गाइस आपको इसमें नॉन रख लेना है, राइट क्लिक करना है। तो चलिए हमारा वीडियो कंप्लीट है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसी प्रकार आप वीडियो बना सकते हो। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना।